डॉक्टर गाफिर शहज़ाद, कश्मीर के हवाले से सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। वो इस तरह से है कि जब किताब लिखी गई थी एंड ऑफ हिस्ट्री, तो उसमें ये बताया गया था कि अब बाकायदा तौर पर जो सुपर पावर्स में जंग है वो ग्राउंड के ऊपर नहीं होगी, बल्कि अब अगर लड़ाई होगी तो वो सकाफत के दरमियान में होगी। लेकिन जब हम कश्मीर का मामला देखते हैं तो ये थ्योरी जो कि वेस्ट ने पेश की थी बेसिकली रशिया के अगेंस्ट, तो उसका मकसद तो यही था कि हमने फतह हासिल कर ली है, लेकिन जो दुनिया में ग्राउंड रियलिटीज़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त कश्मीर में जो अमली तौर पर जिस तरह से कश्मीरियों को मारा जा रहा है, जिस तरह से उनसे स्पेस ले ली गई है और जिस तरह से उनके लिए ज़िंदगी का हर रास्ता बंद कर दिया गया है, तो उससे तो यही लगता है कि वेस्ट की जो थ्योरियाँ हैं वो भी सिर्फ इसलिए पेश की जाती हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। अमली तौर पर आप देखें और हैरान होते हैं कि अब वेस्ट जो है वो क्यों खामोश है, कि इस वक्त जो कुछ वहाँ पे हो रहा है और जिस तरह से वीडियोस और जो सोशल मीडिया पे भी जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो वेस्ट को चाहिए कि अपने जो इंसानी हकूक़ का झंडा उठाया हुआ है तो उसकी वजह से इंसाफ करते हुए कश्मीरियों के लिए वो भी हक़ की आवाज़ उठाएँ। तो मैं समझता हूँ कि जब तक पावर के साथ, फोर्स के साथ जवाब नहीं दिया जाएगा, तो इंडिया की जो वहाँ पे इस तरह से कश्मीरियों के लिए सूरत हाल पैदा की हुई है उससे निजात मिलना बहुत मुमकिन, बहुत मुश्किल है। थैंक यू।